दोस्तों, जब हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में एक से ज़्यादा जीमेल अकाउंट मैनेज करते हैं, एक से ज़्यादा यूट्यूब अकाउंट मैनेज करते हैं या फिर एक से ज़्यादा एडसेंस अकाउंट मैनेज करते हैं, तो दोस्तों ऐसे में हमें अपने क्रोम ब्राउज़र का बार बार अकाउंट चेंज करना पड़ता है, बार बार अकाउंट बदलना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जिस टाइम पर हम जो भी यूट्यूब अकाउंट एडसेंस अकाउंट मैनेज करते हैं उसी की जीमेल आईडी से हमें क्रोम ब्राउज़र को लॉगिन करना पड़ता है, तभी हम मैनेज कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊँगा कि मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र के अकाउंट को चेंज कैसे करते हैं। अगर आप भी अपने क्रोम ब्राउजर में, मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में एक से ज्यादा जीमेल अकाउंट को मैनेज करते हैं या यूट्यूब अकाउंट को मैनेज करते हैं या फिर एडसेंस अकाउंट को मैनेज करते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से क्रोम ब्राउजर के अकाउंट को चेंज कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं हेल्प की दुनिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमें अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र के अकाउंट्स को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ही ओपन करना है। यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक नया टैब ओपन किया है। आप चाहें तो नया टैब ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए यहाँ पर होम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर टैप करना है तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। जब ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा तो दोस्तों ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे हमें एक लोगो दिख जाता है, एक प्रोफाइल पिक दिख जाती है। यह लोगो हमारी उस जीमेल आईडी का है जिससे अभी हमने इस ब्राउज़र को लॉगिन किया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें जीमेल अकाउंट से चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसी लोगो पर टैप करना है। दोस्तों अगर आपके फोन में यह लोगो नहीं दिख रहा है तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें लोगो पर टैप करना है, जैसे ही हम लोगो पर टैप करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए अगर आपके फोन में लोगो नहीं दिख रहा है, प्रोफाइल पिक नहीं दिख रही है, तो आपको क्या करना है, राइट साइड ऊपर कोने में आप देखेंगे यहाँ पर थ्री डॉट्स दिख जाएंगे, थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। से ही सेटिंग पर क्लिक करेंगे, देखिए वही वाला इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। तो दोस्तों अब अकाउंट्स बदलने के लिए आपको क्या करना है, इसी अकाउंट पर टैप करना है, इस पर आपको टैप करना है। चलिए मैं टैप कर देता हूं। जैसे ही मैंने टैप किया यहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारे जीमेल अकाउंट्स आ चुके हैं, बहुत सारी जीमेल आईडी यहां पर मैंने ऐड कर रखी हैं, क्योंकि मैं कई सारे यूट्यूब चैनल मैनेज करता हूं, कई सारे एडसेंस अकाउंट भी मैनेज करता हूं। तो दोस्तों देखिए अब आपको यहां पर कैसे अकाउंट्स चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो जीमेल आईडी अभी यहां पर लॉगिन है, जिससे हमने क्रोम ब्राउजर को लॉगिन कर रखा है, उसे लॉग आउट करना होगा। तो लॉग आउट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए हम इस प्रकार से स्लाइड करेंगे, सबसे नीचे आएंगे तो यहां पर हमें ऑप्शन मिल जाता है साइन आउट का, साइन आउट एंड टर्न ऑफ सिंक, इस पर हमें टैप करना है। जैसे ही इस पर हम टैप करेंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहां पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आपको चेक मार्क नहीं लगाना है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहां पर अकाउंट लॉग आउट हो चुका है, तो अब हमें यहां पर टर्न ऑन सिंक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों ऐसा यहां पर इंटरफेस आ जाएगा और यहां पर आपको वो वाली जीमेल आईडी दिख जाएगी जो आपकी डिफॉल्ट में सेट है। तो अब आपको कैसे अकाउंट चेंज करना है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों यहां पर आपको इसी जीमेल आईडी पर टैप करना है, जैसे ही इस पर आप टैप करेंगे तो आपके मोबाइल के सभी अकाउंट्स फिर से आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जिस अकाउंट से लॉगिन करना है उस पर टैप करना है, या फिर जो भी यूट्यूब चैनल आपको लॉगिन करना है तो उसी की जीमेल आईडी पर टैप करना है। तो चलिए मैं टैप कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं इस अकाउंट पर टैप कर देता हूँ, इस वाले अकाउंट पर टैप कर देता हूँ। तो मैंने ऐसे टैप किया, टैप करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, तो दोस्तों नीचे ऑप्शन मिल जाता है एस आई एम इन, तो इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन है कंबाइन माई डाटा, इस पर टैप करना है। तो यहाँ पर देखिए इस पर टैप करेंगे जब आप, तो नीचे कॉन्टिन्यू पर क्लिक करना है, कॉन्टिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर सिंकिंग हो रही है, सेटअप इन प्रोग्रेस ऑन हो चुकी है, सिंक देखिए। तो उसके बाद हमें यहां से बैक हो जाना है, बैक होने के बाद देखिए यहां पर हमारा ये वाला जीमेल अकाउंट यहां पर आ चुका है। अब हम ब्राउजर में इस जीमेल आईडी से लॉग इन हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, जिस अकाउंट को मैनेज करना हो उसी की जीमेल आईडी से आप इसी प्रकार से लॉग इन हो सकते हैं और अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्रोम ब्राउजर के अकाउंट को कैसे चेंज करना है, कैसे बदलना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।